गोंडा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर दरबगंज सीएचसी की लापरवाही के चलते बच्चे की जान चली गई। वहीं दूसरी ओर प्रसूता की जान भी खतरे में पड़ गई। लापरवाही से नवजात बच्चे की हुई मौत के बाद पीड़ित पिता ने बच्चे का शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया और न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वहां के स्टाफ नर्स और कर्मचारियों से किसी दूसरे अस्पताल में रेफर करने की उन्होंने बात कही, लेकिन सीएचसी के लोगों ने बड़ी ही लापरवाही से उसकी डिलीवरी करा दी, जिससे उसके बच्चे की जान चली गई। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके कहा है कि सीएमओ गोंडा से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है और लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं एएसपी शिवराज ने बताया कि प्रकरण की जानकारी अभी उनके संज्ञान में आई है। इस संबंध में सीओ तरबगंज को जांच सौंपी गई है। कल मेरी वाइफ का डिलीवरी था, मैं तरबगंज अस्पताल में लेके गया था डिलीवरी करवाने के लिए। उसका डिलीवरी करते समय उसका बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके बाद में मैडम को बोला कि जो इसे डिलीवरी नहीं हो रही है हमको रिफ़र कर दीजिए, मैं और भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, वहाँ पे हमको रिफ़र नहीं किए और बच्चा एक्सपायर हो गया। डिलीवरी करते समय उसकी और भी जो अंदर की जो प्रॉब्लम की जो नसें थी उसमें तकलीफ़ आ गई, इसके लिए उसको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया हूँ। उसमें टाका लगा हुआ है, जो मेरी औरत अभी चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती है।